Hey guys, if you also carry curvy physique like mine, तो what are the things we should keep in mind while dressing up? अगर हम जा रहे हैं बाहर किसी भी इवेंट के लिए, whether it is party, wedding, कोई भी नॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर पिकनिक के लिए, जैसे अभी हॉलीडेज चल रहे हैं, तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ वेकेशन ऑल्सो, तो वॉट आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड वाइल ड्रेसिंग योर कर्वी फिगर, ताकि आप अंडर कॉन्फिडेंट ना दिखे, कॉन्फिडेंट दिखे और आप प्रेजेंटेबल लगे, गॉर्जियस एंड ब्यूटिफुल लगे. तो वेलकम बैक टू माई चैनल. इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू ड्रेस कर्वी फिगर, कर्वी फिजिक टू बिकम यू टू लुक गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं. तब हम स्टार्ट करते हैं. इफ यू ऑल्सो हैव अ कर्वी फिजिक लाइक माइन, तो वॉट आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड वाइल ड्रेसिंग अवर सेल्फ, ताकि हमारी फिजिक को वो कॉम्प्लीमेंट भी करे, साथ ही साथ प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटिफुल गॉर्जियस दिखाए इन एनी इवेंट. तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर लेते हैं. जो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे लिए होता है ऑलवेज इज अ साड़ी, क्योंकि साड़ी कॉम्प्लीमेंट्स अ लेडी इन एनी फिजिक. इफ यू आर कैरिंग अ कर्वी फिगर, आपकी फिजिक अंडरवेट है, ओवरवेट है, बहुत ज्यादा हैवी है आप, प्लस साइज है आपकी, तो भी साड़ी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है अ लेडी की फिजिक को. तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे लिए जो होता है वो है साड़ी. बस यही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कौन से ओकेशन में कौन सी, किस टाइप की हम साड़ी कैरी कर सकते हैं. इफ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रेडिशनल वेडिंग एंड ऑल, ट्रेडिशनल पूजा के लिए जा रहे हैं, तो उस ट्रेडिशनल साड़ी आप पहन सकते हैं. इफ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी एंड ऑल, तो आप पार्टी साड़ीज एंड पार्टी वेयर, कुछ भी इस तरीके की साड़ी आउटफिट कैरी कर सकते हैं. तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज इज फॉर माइन इज अ साड़ी. उसके बाद सेकेंडली आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं मैंने स्नैप लगाया, इस तरीके का ड्रेस है जो कि स्कर्ट के साथ आता है. मैंने प्रीवियस एक वीडियो में भी शेयर किया था, इफ यू हैवंट सीन, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगी, आप चेक जरूर कर लेना. तो ये ब्लू कलर का ड्रेस है, बहुत ही सुंदर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कमर में इस तरीके से नेट है और ऊपर वर्क किया हुआ है, ऊपर इस तरीके से वर्क है और बहुत ही अच्छी फ्लेयर है नीचे, ताकि आपकी लोअर बॉडी को अच्छे से, आपके कर्व्स को हाईलाइट ना करते हुए बहुत अच्छे सा एक फ्लेयर दे देते हैं, ताकि आपकी जो लोअर बॉडी के जो कर्व्स है वो हाईलाइट ना हो. और नीचे इस तरीके से स्कर्ट दी होती है, गोल्डन स्कर्ट. आप कोई भी इस तरीके के स्कर्ट वाले जो गाउन्स होते हैं, आप देख सकते हैं मैंने स्नैप्स लगाए, आप इस तरीके से कोई भी स्कर्ट वाले गाउन्स कैरी कर सकते हैं, जो कि आपके नीचे की जो कर्वी फिगर है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हैं, बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंटेबल बना देते हैं. और कमर में इस तरीके की इलास्टिक दी होती है, ताकि आपकी जो बेली फैट एंड हॉल होता है, जो टमी फैट होता है, उसको भी अच्छे से वो टकिंग कर देते हैं और आपको बहुत अच्छे एक लुक, बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक दे देता है. तो सेकेंड ऑप्शन इज माई ये इस तरीके के गाउन, जो कि स्कर्ट्स के साथ आते हैं, तो बहुत ही सुंदर लुक दे देते हैं. उसके बाद नेक्स्टली आ जाते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर अ रिसेप्शन, पार्टीज एंड ऑल, तो आप ये मेरा मोस्ट फेवरेट गाउन आप देख सकते हैं. ये आप देखिए बहुत ही सुंदर लाइट ग्रीन कलर में है. यहाँ पर आपको सामने कमर में इस तरीके की बेल्ट के साथ ये ब्रोच लगा हुआ है, बैक में इस तरीके की इलास्टिक दी हुई है, ताकि आपको बॉडी को अच्छे से वो एक बहुत ही सुंदर फिनिश दे दे. और नीचे तो इस तरीके की बहुत ही प्यारा फ्लेयर दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर, जो कि इसके अंदर नेट्स एंड ऑल बहुत सारे लेयर्स हैं, ताकि वो एक बहुत ही अच्छा लुक आपको मिल जाए और आपकी जो लोअर बॉडी है उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे. तो इस तरीके के आप देख सकते हैं, और भी मैंने स्नैप्स लगाए, बहुत ही सुंदर आप इस तरीके के फ्रॉक्स या गाउन्स आप कैरी कर सकते हैं, जो कि अगेन आपकी कर्वी फिजिक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे. उसके बाद आ जाते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे, या कोई भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ मिलने के लिए, या कोई भी छोटी मोटी आप गेट टुगेदर के लिए जा रहे हो, तो आप इस तरीके की स्कर्ट कैरी कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़े फ्लेयर्स है इसमें, अगेन इलास्टिक है, जो कि आपकी बेली फैट को बहुत अच्छे से कवर करेगी. और आपको एक ये अप टू नी लेंथ है, तो आपके जो नीचे की लोअर बॉडी को अच्छे से कवर करके आपको एक फ्लेयर दे देता है, बहुत ही सुंदर आपके फिजिक को बहुत ही सुंदर लुक दे देता है, प्रेजेंटेबल बना देता है इन एनी ओकेशन. छोटे मोटे ओकेशन के लिए आप इस तरीके की स्कर्ट कैरी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कोई भी लूज टी शर्ट कैरी कर सकते हैं. तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके की लूज टी शर्ट आप कैरी कीजिए, ताकि ऊपर की जो आपकी फिजिक है
इसको एक मतलब आपकी कर्व्स हाईलाइट ना हो और आपकी फिजिक को बहुत अच्छे से ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं इलास्टिक दी हुई है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर बेल्स आ जाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आपकी जो यहाँ की जो प्लस साइज का जो साइज आपके जो थाइज में है एंड आपके आर्म्स में जो होता है वो भी अच्छे से कवर हो जाता है और आपको एक बहुत अच्छा लुक दे देता है। तो इफ यू आर कैरिंग अ स्कर्ट एंड ऑल, उसके ऊपर आप इस तरीके से लूज टी शर्ट कैरी करें ताकि आपकी ओवरऑल कर्व्स भी अच्छे से हाइड हो जाए और आपको प्रेजेंटेबल लुक मिल जाए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, इफ यू वांट टू पेयर पैंट्स एंड ऑल, जीन्स पैंट आप कैरी करते हैं तो ऑब्वियसली नीचे थोड़ा सा बॉडी हगिंग आपको पूरे कर्व्स हाईलाइट हो जाते हैं। तो उस हाईलाइटेड कर्व्स को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, तो इस तरीके के आप लॉन्ग टॉप पहन सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं इसमें भी फुल स्लीव्स है, लॉन्ग टॉप है ये अप टू नी लेंथ है, तो आपके जो पूरा ऊपर से लेके नीचे बॉडी तक के कर्व्स है वो सारे हाईलाइट हो वो कवर हो जाते हैं और आपको बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक देता है। अगेन ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर रिबन है जो कि आपके वेस्ट के पास आएगा और वहां पर आप उसको टाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो इस तरीके आप लॉन्ग टॉप्स भी पहन सकते हैं, आप स्नैप्स भी देख सकते हैं मैंने साथ साथ में लगाए हैं, तो आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग फॉर एनी छोटा मोटा पार्टीज एंड ऑल। तो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज अगर पैंट्स एंड जीन्स पहनते हैं तो हम कर्वी बॉडी के साथ थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हम फील करते हैं। तो इस तरीके की अगर लॉन्ग टॉप्स पहन लेते हैं हम या जैकेट्स पहन लेते हैं, श्रग्स कैरी कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे जो कर्वी फिजिक को एक बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक मिल जाता है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्टली, इफ यू आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे गाइस, तो हॉलीडे के लिए दिस ड्रेस इज परफेक्ट। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, यहाँ सामने चेन है, कमर में इस तरीके से बेल्ट दिए हुए जो कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप टाई कर सकते हैं और इसको आप प्लाजो पैंट के साथ या जीन्स के साथ जेगिंग के साथ कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से कट दिया हुआ है तो आपकी पीछे की पूरी बॉडी कवर हो जाएगी, आपके जितने भी कर्व्स है वो हाईलाइट नहीं होंगे और आपके पिकनिक में या आपके हॉलीडे में बहुत ही अच्छे से ये ड्रेस जाएगा, बहुत ही सुंदर लुक देता है ये ड्रेस, माय मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल जो मैंने कैरी किया है ये ड्रेस जो आप देख सकते हैं येलो कलर में, बहुत ही सुंदर यहाँ डिजाइन बनी हुई है, आप स्नैप्स देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, नीचे फ्लेयर्स है, अगेन आपकी लोअर बॉडी को बहुत ही अच्छे से कवर कर देता है, कर्व्स हाईलाइट नहीं होते एंड अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल स्लीव्स है जो कि आपके यहाँ की जो आर्म्स के जो भी एक्स्ट्रा प्लस साइज आपका जो भी फैट है वो हाईलाइट नहीं होता है, कवर कर देते हैं आपको एंड एट द सेम टाइम बहुत ही स्टाइलिश लुक दे देता है। तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप कैरी कर सकते हैं। इफ यू आर वेयरिंग स्कर्ट्स एंड ऑल, शॉर्ट ड्रेसेस भी अगर आप पहन रहे हैं तो आप बॉडी हगिंग वाले ना पहन के आप थोड़े से लूज पहने जो कि आपकी बॉडी की कर्व्स को हाईलाइट ना करके आपके बॉडी में वो कॉम्प्लीमेंट करे आपको और एनी ओकेशन में बहुत अच्छे से जाए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो आपको क्या करना है आपको पता है तो वो सब आप जरूर कर देना और अगर नए हैं तो क्या करना है वो भी आपको पता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब इस वीडियो को एंड करते हैं और अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस अपकमिंग वीडियोस देखने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर देना। नाउ बाय।